नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज प्लस में। हमारा मकसद सिर्फ खबरों को आपको बताना नहीं, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करना है कि हर खबर कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी होती है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें देखें और अपना नजरिया रखें। देखिए आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय नेताओं में से एक है। उनकी लोकप्रियता की झलक तब देखने को मिलती है जब उनके किसी दौरे की खबर जनता तक पहुंचती है। मोदी की एक झलक पाने को और उनके लाइव संबोधन को सुनने को लोग उत्सुक रहते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो देखिए लोगों में उनसे मिलने की आतुरता। वॉशिंगटन डीसी में गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद लोग उनके स्वागत के लिए इंतजार करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्राओं में से एक बड़ी सभाओं में प्रवासी समुदाय के साथ उनकी बैठकें हैं। हालांकि वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण प्रधानमंत्री की बड़ी सभा या प्रवासी लोगों के साथ बैठक करने की संभावना काफी कम है। पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकी सीईओ के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरों को एक सेट के साथ एक ट्वीट में कहा, ये काबिले तारीफ है कि कैसे प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय अमेरिकियों के बीच लोकप्रिय रहे हैं, जो देश की आबादी का 1.2% से अधिक का गठन करते हैं। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद सातवीं बार अमेरिका की यात्रा कर रहे पीएम मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा भारत अमेरिका को मजबूत करने का अवसर होगी। व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने में कारगर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के अलावा मोदी का अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करने का भी कार्यक्रम है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिद्धार्थ नगर में अपने एक संबोधन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने विकास कार्य कराए। कोरोना महामारी में जब सब लोग ग्रसित थे, उस समय में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का नेतृत्व करता है और मिसाल कायम कर रहा है। दिक्कत के बावजूद भारत अपने आप को खड़ा किया है। मित्रों, भारत इसलिए खड़ा कर पाया कि भारत में उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है। भारत खड़ा नहीं हो सकता है जब तक उत्तर प्रदेश उसकी नेतृत्व नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश उसको खड़ा नहीं करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत दोनों एक चीज है। उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्था रहेगी, सुशासन रहेगी, अच्छा नेतृत्व रहेगा, तभी तो जाके मोदी जी की इंजन दिल्ली में दौड़ेगी। इसीलिए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए। देश की समृद्धि और किसानों के हित के लिए कई कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा का समर्थन करने और भारत के पशुपालन उद्योग में तकनीकी सुधार लाने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए रिपोर्ट। आज कृषि भवन में डेयरी विभाग और पशुपालन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा का समर्थन करने और भारत के पशुपालन उद्योग में तकनीकी सुधार लाने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम गोपाल मौजूद रहे। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने इस मौके पर कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पास साधन है और नई तकनीक है जो कि हमारे किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस मौके पर और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, आइए सुनते हैं। पशुधन में सुधार लाने के लिए एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के माध्यम से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, वितरण और स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पास साधन है और हम अपने देश के पशुपालकों, गरीब किसानों के लिए फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सुयोग बना है और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम हमारे देश के पशुपालकों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। इसकी जानकारी
को हम और ज़्यादा तेज कर पाएंगे। और बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उनके पास रिसोर्स भी बहुत है और उस रिसोर्स का उपयोग भी हम हमारे देश के पशुपालकों के लिए और गरीब किसानों के लिए और ऐसे ऐसे एरियाज़ को हम भी इसमें इस प्रकार के इस MOU के तहत जो एरिया में अभी हमारा सर्विस एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम नहीं पहुंचा रहे हैं उसको फोकस करके ये फाउंडेशन के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास भी है और ऐसा हम सब मिलकर करेंगे तो उसके और भी अच्छे परिणाम आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।